classroom and we are doing Majnun Palace. Act 1, Scene 1 को हमने तीन parts में divide किया है. दो part हम कर चुके हैं. तो आज हम करेंगे part 3. अब तक हमने देखा एंटोनियो सलारिनो और सलानियो से बात कर रहा था, ग्रेशियानो से बात कर रहा था. अब ये सारे चले जाते हैं. पहले सलारिनो और सलानियो गए और फिर ग्रेशियानो और लोरेंजो भी चले गए. और अब हमें ये भी पता है कि वो आज रात को डिनर पे मिलने वाले हैं. और ये भी पता है कि बसानियो एंटोनियो को ढूंढ रहे थे, उन्हें एंटोनियो मिल गया. और एंटोनियो को बसानियो यहाँ मिल गया है जिससे कि वो अपनी सैडनेस शायद उसे शेयर कर पाए, बिकॉज वी हैव सीन दैट ही इज सैड. तो आज हम देखेंगे कि बसानियो एंटोनियो को क्यों ढूंढ रहा था, उसे क्या बात करनी है. राइट, सो हियर वी आर, एक्ट 1, सीन 1, पार्ट 3. जैसा कि पहले के दो पार्ट्स में हमने करा, इसमें भी वही करेंगे. टेक्स्ट, वर्ड मीनिंग्स, लिटरेरी डिवाइसेस एंड की पॉइंट्स. लिटरेरी डिवाइसेस बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपको क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक उस पे. व्हाट इज द लिटरेरी डिवाइस यूज्ड, व्हाट इज द टेक्निक यूज्ड. ओके, सो ये चीजें आपको बार बार सुननी होंगी और आपको याद करनी होगी. बाकी चीजें तो सिंपल है, किसने कहा, किसको कहा, कौन आया, कौन गया, दीज आर सिंपल थिंग्स. ओके, अभी थोड़ी देर पहले ग्रेशियानो बहुत कुछ कह के गया एंटोनियो से, बोलता गया और एंटोनियो और बाकी लोग सुनते रहे. अब वो चला गया ये कह के कि रात को डिनर के बाद जारी रहेगा ये कार्यक्रम. अब एंटोनियो बहुत देर से सुन रहा था बसानियो को, बसानियो की तरफ टर्न करके कहता है, इज दैट एनीथिंग नाउ, कि ये सब क्या था. सो वी गेट टू नो कि एंटोनियो बहुत ज्यादा ध्यान से सुन नहीं रहा था, वो तो पजल हो गया था कि ग्रेशियानो क्या बोले जा रहा है. सो बसानियो सेज, ग्रेशियानो स्पीक्स एन इनफाइनाइट डील ऑफ नथिंग मोर देन एनी मैन इन ऑल वेनिस. तुम भी कहा किसके बारे में सोच रहे हो, ग्रेशियानो वो तो पूरे वेनिस में सबसे ज्यादा बोलता है और जो वो बोलता है किसी काम का नहीं होता, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता. तो ज्यादा मत सोचो, डोंट थिंक ही स्पीक्स सो मच इन वेनिस, ही इज द ओनली पर्सन हु स्पीक्स सो मच इन वेनिस, बट व्हाट ही स्पीक्स होल्ड्स नो लॉजिक. हिज रीजंस आर एज टू ग्रेन्स ऑफ व्हीट हिडन टू बुशल्स ऑफ शैफ. ही सेज उसके जो रीजंस हैं दो गेहूं के दाने के बराबर हैं, जो कि भूसे के बड़े बड़े दो ढेर के बीच में अगर छुपा दें और आपसे कहें कि ढूंढ लो तो पूरा दिन लग जाएगा ढूंढने में. आखिरकार अगर वो दो दाने मिल भी गए तो उसकी क्या वैल्यू है. तो ग्रेशियानो इतना बोलता है दैट यू विल टेक द होल टाइम टू अंडरस्टैंड कि उसने क्या बोला. और जब आपको अंडरस्टैंड होगा और बोलोगे इधर ये कोई बात ही कहने की, सो इट विल बी यूजलेस, मीनिंगलेस. His reasons are as two grains of wheat. So here we have a comparison used as two grains of wheat. Simile hai ye. It is a simile, a comparison. You shall seek all day ere you find them, and when you have them, they are not worth the search. You will search the whole day to find some reason, but you will not find. Or if you find, it will be useless. Air the whole day, you know, air you find them, air meaning before you find them, you will search before you find them, but they will be meaningless. So Antonio says, all right, let's forget about Graciano and others. You tell me, Bassanio, aaj to tum mujhe bahut kuch batane wale the, right? You tell me. Well, tell me now of that lady. What lady is the same to whom you swore a secret pilgrimage that you today promised to tell me of? He says, तुमने प्रॉमिस करा था कि तुम उस लेडी के बारे में बात कर बताओगे मुझे जिसके पास तुम गए थे सीक्रेटली, जैसे कि कोई तीर्थ यात्रा पे गए थे. आज तुम उसके बारे में बताने वाले थे, बताओ. आई एम ईगर टू हियर एंड लुक एट द यूज ऑफ द वर्ड पिलग्रिमेज. पिलग्रिमेज होता है तीर्थ यात्रा. तीर्थ यात्रा वो करते हैं जो किसी धार्मिक स्थल पे जाते हैं. नाउ द यूज ऑफ पिलग्रिमेज हैज ब्रॉट दिस लेडी हायर, ठीक है, एज इफ दिस लेडी इज अ लेडी ऑफ सम काइंड ऑफ गॉडेस.
तो उसकी पोजीशन बहुत हाई कर दी गई है यहाँ पे। बसानियो, इट्स नॉट अननोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माय स्टेट। ही सेज एंटोनियो, तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। इट इज नॉट अननोन टू यू, टू नेगेटिव्स, फिगर ऑफ स्पीच यूजेस लाइटोटेस, टू नेगेटिव्स। नॉट अननोन टू यू एंटोनियो हाउ मच आई हैव डिसेबल्ड माय मिस्टेक, मैंने तो अपना पूरा पैसा खर्च कर दिया, स्पेंड कर दिया, बाय समथिंग शोइंग अ मोर स्वेलिंग पोर्ट देन माय फेट मींस वुड ग्रांट कंटिन्यूएंस। मेरा लाइफस्टाइल जो है, जो लिविंग स्टाइल है, वो बहुत ग्रैंड है और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने ग्रैंड लिविंग स्टाइल को मैं मेंटेन करके रखूं, तो उसको मेंटेन करने के चक्कर में मेरा खर्चा होता जाता है, खर्चा होता जाता है, खर्चा होता जाता है। ओके, बसानियो अपने दोस्तों के साथ पार्टी भी बहुत करता है। थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि शाम को वो लोग डिनर में मिल रहे हैं, तो खर्चा कौन कर रहा है? बसानियो कर रहा है। ओके, सो ऐसा उसका शौक है, इसलिए ऐसे शौक की वजह से वो धीरे धीरे उसके सारे पैसे खत्म हो गए। इसे तुम्हें तो सब पता ही है। Not do I make more to be obliged from such a noble rate. He says, I am not sad. I am not making more. I am not complaining of my status today that I have finished all my money. Okay, that is not my concern. It is okay. Money can come again. Okay. So figure of speech is used as alliteration and litotes. Alliteration, repetition of consonant sound. जैसे स्वोर अ सीक्रेट, स्वोर सीक्रेट, स स रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एंड लाइटोटेस, ऑफ कोर्स आई हैव सेड इट इज नॉट अननोन टू यू टू नेगेटिव्स, बट माय चीफ केयर इज टू कम फेयरली ऑफ फ्रॉम द ग्रेट डेट्स। बट आज जो मेरा मेन कंसर्न है कि मैं अपने डेट्स उधारी से बाहर आ जाऊं। सो वी अंडरस्टैंड कि उसने अपना पैसा तो खर्च किया ही किया और बोरो कर करके भी करा अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। इसे बस बहुत हो गया, अब मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा सुधर जाऊं और जिस जिसका पैसा मैंने दे रखा है वो वापस कर दूं। माय चीफ केयर इज टू कम फेयरली ऑफ, मेरा मेन कंसर्न है कि मैं इन सबसे ठीक से बाहर आ जाऊं। वेयर इन माय टाइम समथिंग टू प्रोडिगल हैज लेफ्ट मी गेज्ड, मैंने अपनी ही आदतों की वजह से अपना पूरा पैसा गंवा दिया, खर्च कर दिया। आई बिहेव लाइक अ प्रोडिगल। इसमें शेक्सपियर में जब भी हम देखेंगे कि बहुत सारे रेफरेंसेस होते हैं, प्रोडिगल भी एक पैराबल में रेफरेंस है। पैराबल इज अ स्टोरी विच हैज अ मॉरल लेसन। सो ये प्रोडिगल है, एक ओल्ड मैन है, उसके दो बेटे हैं और ये छोटा बेटा कहता है कि मुझे मेरा हिस्सा दे दो, मुझे यहाँ नहीं रहना है, तो बाप को देना ही पड़ता है। एंड ही टेक्स हिज शेयर एंड गोज अवे, बट वो अपना शेयर भी खर्च कर देता है क्योंकि उसने अपने से कमाया थोड़ी था, उसकी मेहनत थोड़ी लगी थी, उसने खर्च कर दिया और उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं। बहुत ही बुरी हालत में, फटे हाल में वापस आ जाता है। तो बड़ा भाई उसको रखना नहीं चाहता, बट फादर जो है वो उसको ओपन नाम से ले लेता है कि ये तो आखिरकार जो भी है तो मेरा बेटा भूला है, भूला ही सही, घर तो आया बहुत देर के बाद ही सही, मगर घर तो आया। सो ही सेज आई हैव बिहेव लाइक द प्रोडिगल, आई टुक माय मनी एंड आई हैव फिनिश्ड इट ऑफ, हैड लेफ्ट मी गेज्ड, और मेरी अपनी आदतों की वजह से आज मेरी ये हालत हो गई है। टू यू एंटोनियो आई ओ द मोस्ट इन मनी एंड इन लव एंड फ्रॉम योर लव आई हैव अ वारंटी टू अनबर्डन ऑल माय प्लॉट्स एंड पर्पसेस। और इन सब में सबसे ज्यादा उधार मैंने तुम्हारा देना है एंटोनियो, क्योंकि मैं तुमसे सबसे ज्यादा लेता हूं, नॉट ओनली मनी बट योर लव ऑल्सो। आई नो दैट यू लव मी द मोस्ट एंड आई ओ यू अ लॉट, ये सब मेरे पे कर्जा है तुम्हारा जो मुझे लौटाना है। टू अनबर्डन ऑल माई प्लॉट्स एंड पर्पसेस, और मुझे पता है क्योंकि तुम मेरी परवाह करते हो, आज मैं बेझिझक होकर तुम्हारे पास आया हूँ अपने फ्यूचर के प्लॉट्स एंड प्लान्स, मेरी स्कीम्स के बारे में डिस्कस करने के लिए, जिससे कि मैं आगे का रास्ता तय कर सकूं और ये सुनिश्चित करूं कि मेरे सारे उधार मैं वापस कर दूं। ओके, हाउ टू गेट क्लियर ऑफ ऑल द डेट्स आई हैव आई ओ, मेरे पास एक प्लान है और मैं तुमसे डिस्कस करना चाहता हूँ कि मैं कैसे इन सबसे बाहर आ सकता हूँ। Figure of speech is used as allusion and alliteration. Allusion is to the story of the prodigal, जो वो refer करता है Bible की story, and
एलिटरेशन रिपीटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड. चीफ केयर, चीफ केयर द सी अल्फाबेट इज रिपीटेड. एंड प्लॉट्स एंड पर्पसेस, प्लॉट्स पर्पसेस, पर साउंड इज रिपीटेड. सो एंटोनियो फील्स a lot of emotion for his friend Bassanio, and he knows that Bassanio has come to him with a purpose. Okay, so he wants Bassanio to know that jo bhi hai bata do, main hu na yahan pe sabko sambhalne ke liye. Okay, I am there with you, I pray you good Bassanio, let me know it, and if it stands as you yourself still do within the eye of honor, be assured my person, my extremest means lie all unlocked to your occasions. He says, बताओ बसानियो क्या बात है, मुझे सब बताओ, और अगर ये सब as it stand as you yourself still do within the eye of honor, जैसे कि तुम्हारी reputation अच्छी है, वैसे ही अगर तुम्हारा plan जो है वो भी अच्छा है, honorable है, उसमें कोई गलत काम नहीं होगा, तो मैं तैयार हूं, कुछ गलत मत करना, वो प्लान अच्छा होना चाहिए. तो तुम्हारे लिए माय पर्स, माय पर्सन, माय एक्सट्रीमस मींस मेरे पास जो कुछ भी है वो सब तुम्हारा है, लाइक ऑल अनलॉक, सब खुला है तुम्हारे लिए, अनलॉक्ड है. ओके, सब खुला है तुम्हारे लिए. फिगर ऑफ स्पीच यूज इज एनाफोरा, रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड इधर इन एवरी लाइन और इन एवरी क्लॉज. एनाफोरा, माय पर्स, माय पर्सन, माय एक्सट्रीमस मींस repetition of the word my anaphora here. And then we have synecdoche, using one word to describe a larger thing. My purse, ek wallet hai, to ek wallet mein to uski puri jayadad nahi hogi na. Antonio ki kehta hai mera pura purse tumhara hai, yani ki meri puri jayadad, mera pura paisa, meri puri daulat, wo sab tumhare liye hai. So use of one word purse is synecdoche. All unlocked to your occasions, to your occasions, to your needs. जो भी तुम्हारी जरूरतें हैं वो मैं पूरा करूंगा, मेरा सब कुछ तुम्हारा है. Bassanio, in my school days when I had lost one shaft, I shot his fellow off the self same flight, the self same way with more advised watch. He says, school days में जब हम तीरंदाजी करते थे, archery करते थे, and when I used to shoot an arrow and lose my arrow, खो जाता था मेरा arrow, तो वो दूसरे arrow को ढूंढने के लिए मैं एक plan करता था, दूसरा arrow निकालता था, वो पहले arrow को ढूंढने के लिए मैं दूसरा arrow लेता था, उसी direction में बहुत ध्यान से दोबारा से aim करता था, और जहां वो जाके गिरता था arrow, मैं वहां जाके ढूंढता था, और कई बार मुझे मेरा पहला वाला arrow भी मिल जाता था. Okay, so this is a very sure shot way of doing things. I know ki main bilkul sahi kar raha hoon. To find the other fort and by mentioning both, I have found both. Pehle wale ko dhoondne ke liye main dusra arrow bhejta tha aur kai baar mujhe wo dono arrow mil jate the. Theek hai? So figure of speech uses anaphora, synecdoche and alliteration. Alliteration, repetition of consonant sounds. Self same. Sir, Bassanio continues to speak. I urge this childhood proof because what follows is pure innocence. He says, ये जो बात मैं अपने school days की बता रहा हूं, एक reference के तौर पे बता रहा हूं, क्योंकि आगे जो मैं बताने वाला हूं उसमें कोई चाल नहीं है, कोई धोखा नहीं है, कोई कपट नहीं है. I am not trying to deceive you. मैं तुम्हें किसी तरह से धोखे में नहीं रखना चाह रहा, कोई धोखा नहीं देने वाला, कोई गलत बात नहीं करने वाला. इट इज प्योर इनोसेंस, इसमें कोई गलत बात नहीं होगी. आई ओ यू मच एंड लाइक अ विलफुल यूथ दैट विच आई ओ इज लॉस्ट. मुझे तुम्हारा बहुत सा पैसा लौटाना है, और एक विलफुल यूथ की तरह मैंने बिना सोचे सब खो दिया है. लाइक अ विलफुल यूथ, फिगर ऑफ स्पीच यूजेस सिमिली, कंपेयर कर रहा है अपने आप को एक विलफुल यूथ से जो बिना सोचे कुछ कर देता है. दैट विच आई ओ इज लॉस्ट, और मैं तो बता रहा हूं तुम्हें कि जितना मेरे पे उधार है वो सब खत्म हो चुका है.
But if you please to shoot another arrow that self way which you did shoot the first, I do not doubt as I will watch the aim or to find both or bring your latter hazard back again and thankfully rest debtor for the first. He says, आज मैं तुमसे request करने आया हूँ कि तुम एक बार फिर से मुझे लोन दे दो. पहले लोन दिया था, मैंने खत्म कर दिया. आज मैं फिर से लोन मांगने आया हूँ, बट इस बार मैं बहुत केयरफुल रहूंगा. जैसा मैंने स्कूल डेज में पहला एरो ढूंढने के लिए दूसरा एरो शूट करा था, आज उसी तरह से एक प्लान बनाकर आया हूं कि तुम्हारे दिए हुए नए लोन से मैं कुछ ऐसा करूंगा कि मुझे पहले का पैसा भी रिकवर हो जाएगा और मैं सब कुछ लौटा पाऊंगा. चलो अगर मुझे प्रॉफिट नहीं भी हुआ तो कम से कम तुम्हारा पहला वाला लोन तो मैं चुका ही दूंगा और नए वाले लोन के लिए मैं फिर तुम्हारा कर्जदार हो जाऊंगा. ओके, सो एक छोटी सी रिक्वेस्ट लेकर आया हूं. नाउ एंटोनियो वाज लिसनिंग वेरी केयरफुली, वेरी पेशेंटली, बहुत ध्यान से सुन रहा है, सब्र के साथ सुन रहा है और बसानियो एक कहानी उसको बता रहा है. अब यहाँ पे बीच में एंटोनियो से रोक देता है, कहता है, यू नो मी वेल एंड हियर एंड स्पेंड बट टाइम टू माइंड अबाउट माई लव एंड सर्कमस्टेंस. इसीस क्या है बसानियो, तुम मुझे इतना अच्छा से जानते हो, तुम जानते हो मैं तुम्हें कभी ना नहीं करूंगा, फिर क्या है ये घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो कुछ. दिस इज अ फिगर ऑफ स्पीच, सर्क्यू लोक्यूशन, घुमा के किसी मुद्दे पे आना. इसीस क्यों कर रहे हो, टू वाइंड अबाउट माई लव, क्यों परीक्षा ले रहे हो मेरे लव की, ऐसे घुमा फिरा के क्यों कह रहे हो, डायरेक्ट बोलो. एंड आउट ऑफ डाउट यू डू मी नाउ मोर रॉन्ग, ऐसा कह के तो तुम मुझे ज्यादा नुकसान, ज्यादा दुख पहुंचा रहे हो कि तुम्हें शक हो रहा है कि जब तक तुम मुझे पूरी भूमिका नहीं बता दोगे, एक समान नहीं बांध दोगे, एक भूमिका नहीं बना लोगे, तब तक मैं तुम्हारी बातें नहीं सुनूंगा. क्यों कर रहे हो ऐसा, यू नो व्हाई आर यू डाउटिंग, यू आर गिविंग मी पेन, तुम मुझे दुख पहुंचा रहे हो. इन मेकिंग क्वेश्चन ऑफ माय अटमोस्ट देन इफ यू हैड मेड वेस्ट ऑफ ऑल आई हैव, इससे तो अच्छा था तुम मेरा सारा ले लो, सब कुछ गवा दो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा. बट ये जो तुम शक कर रहे हो ना कि मैं दूंगा या नहीं दूंगा, ये ठीक नहीं है, इससे मुझे तकलीफ हो रही है. देन डू बट से टू मी वट आई शुड डू दैट इन योर नॉलेज में बाई मी बी डन एंड आई एम प्रेस्ड ऑन टू इट. देयरफॉर स्पीक, केवल बोलो, केवल बताओ क्या चाहिए, मैं क्या करूं, मैं तैयार हूं, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूंगा. आई एम प्रेस्ड ऑन टू इट, आई एम विलिंग टू डू इट, आई एम रेडी टू डू वट एवर. सो जस्ट स्पीक, यू ओनली हैव टू स्पीक. जब बैसानियों को अपनी गलती का एहसास होता है, उसे बुरा लगता है कि हाँ उसने एंटोनियो के साथ थोड़ा यहाँ पे ठीक नहीं करा, तो वो मेन टॉपिक पे आ जाता है. इन बेलमोंट इज अ लेडी रिचली लिफ्ट एंड शी इज फेयर. तो कहता है वो जो लेडी है जिसके बारे में मुझे बताना था, वो बेलमोंट में रहती है. नाउ वी सी द पर्सन इज नॉट हियर ऑन स्टेज बट वी हैव द इंट्रोडक्शन. तो यहाँ पे पोर्शा का या मेन कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन हमें मिल रहा है कि वो एक रिच लेडी है, बेलमोंट में रहती है, उसे बहुत सारी दौलत अपने फादर से मिल गई है, रिचली लेफ्ट, उसके फादर की डेथ हो गई है. एंड शी इज फेयर, वो तो बहुत ब्यूटीफुल है. एंड फेयरर देन दैट वर्ल्ड ऑफ वंडरस वर्चूज, उसकी सुंदरता से भी कहीं ज्यादा, फेयरर देन द वर्ल्ड, ओके, उसकी सुंदरता से भी कहीं ज्यादा उसकी क्वालिटीज हैं, उसकी वर्चूज हैं, उसके अच्छे, उसका अच्छा नेचर है. Sometimes from our eyes, I did receive fair speechless messages. और जब मैं उसके पास गया था, हमारे बीच कोई बातचीत नहीं हुई थी, बट उसने मुझे जिस तरह से देखा था, मैं समझ गया था कि उसको मुझसे लगाव हो गया है. I did receive some silent, speechless, बिना कहे messages. Her name is Portia. Nothing undervalued to Cato's daughter, Brutus Portia. Again, we have an allusion to a story, another story of Julius Caesar, where Julius Caesar's friend Brutus is involved in a conspiracy against Caesar. This Brutus is married to a girl called Portia, same name, Portia. Okay, that is why there is this comparison, Portia. Now this Portia, who was the wife of Brutus, was the daughter of Cato,
an army general. Okay, so she was a very brilliant lady herself, a great lady of great virtues herself. So this Portia of Belmont is compared to that Portia, the Cato's daughter or the wife of Brutus. So this Portia also has same kind of values. She is also equally important. Nor is the wide world ignorant of her worth. And she is well known. Her beauty is well known. Her nature is well known. And the entire world knows about her. Okay. Figure of speeches, allusion, as I said, to the story of Brutus and Cato. And we also can say there is alliteration of the word. Let us see. Wide world. Repetition of the sound. Wild. Wide world. Now he says, the whole world knows about Portia. For the four winds blow in from every coast, renowned suitors and a sunny locks hang on her temples like a golden fleece. She is of marriageable age. She has to select for herself a bride, a groom, a husband. Okay? And people from many parts of the world come to Belmont to try their luck. To see her beauty, her sunny locks, her golden hair, which hang on her temples, okay, which fall on her hair like the golden fleece. She is so beautiful. Again, we have a story of the golden fleece, which makes her seat of Belmont culture strand, and many Jasons come in quest for her. Now, there is a story of this golden fleece. Fleece is the coat of a goat, a sheep. A male sheep, okay. There is a story, this fleece was of gold and it was guarded by bulls. Is fleece ko ek aisi jagah pe rakha gaya tha jahan pe bade bade bulls the, usko guard kar rahe the, dragons the, you know, monster the, usko guard kar rahe the, aur bahut hi bhayanak jagah thi aur koi easily jaake use la nahi sakta tha. So ek person tha Jason, जो ये फ्लीस लेने गया था. जेसन के अंकल ने जेसन के फादर का किंगडम ले लिया था और जेसन को वो राजा नहीं बनने दे रहे थे क्योंकि राजा तो जेसन को बनना चाहिए था. तो उन्होंने कहा ठीक है तुम वो गोल्डन फ्लीस ले आओ तो तुम राजा बन जाओगे. अब जेसन चला गया एडवेंचर पे. उसके अंकल ने सोचा था ऐसे मिशन पे भेजा है, मिशन इम्पॉसिबल, जहां से वो वापस ही नहीं आएगा कभी. बट ऐसा हुआ नहीं. जेसन प्रूव टू बी ए हीरो और उसने सारे बुल्स को, मॉन्स्टर्स को, यू नो, सबको हराया और वो गोल्डन फ्लीस लेकर आया. सो यहाँ पे जितने भी सूटर्स हैं जो पोर्शा के लिए आ रहे हैं वो है जेसन्स. बहुत सारे जेसन्स आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे बेलमॉन्ट जो है वो तो कल्चर स्टैंड बन चुका है और जेसन्स आए जा रहे हैं अलग अलग दिशाओं से अपने लक ट्राई करने के लिए, वो गोल्डन फ्लीस को हासिल करने के लिए. Oh my Antonio, had I got the means to hold a rival place with one of them, मेरी ये दिल की इच्छा है कि मैं भी वहां जाऊं और उन suitors में से एक हो जाऊं जहां पे मैं अपनी luck try करूं. I have a mind presages me such thrift, और मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि मैं अवश्य successful हो जाऊंगा. That I will definitely be the winner. That I should questionless be fortunate. मुझे पूरा यकीन है. I should questionless, बिना question के, कि मैं यहाँ पे definitely lucky साबित होऊंगा. Figure of speeches used are allusion and simile. Allusion एक story बताई है हमें और simile जिससे compare किया गया golden fleece and sunny locks. तो बसानियो ने बातों ही बातों में एंटोनियो से बता दिया है कि अब उसे थोड़ा पैसा और चाहिए, इससे वो बेलमॉन्ट जाने का इंतजाम करेगा, पोर्शा के लिए रिच गिफ्ट्स लेकर आएगा, अपने आप को बहुत अच्छा रिच मैन बता के जाएगा वहां पे, इस शानो शौकत से जाएगा. ठीक है. सो एंटोनियो यहाँ पे थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है. ही सेज द नोइस दैट ऑल माय फॉर्च्यून्स आर एट सी. ही सेज तुमसे क्या बताऊं, मेरी तो जितनी शिप्स हैं वो सब इस समय सी में हैं. नीदर
हैव आवर मनी नॉर कमोडिटी टू रेज अ प्रेजेंट सम, और इस समय तो मेरे हाथ में पैसा ही नहीं है और इतना मर्चेंडाइज भी नहीं है कि मैं उसको बेच के या उसके उसको दे के कहीं से उधार लेके तुम्हें पैसा दे दूं। सो दिस इज वेरी स्ट्रेंज। हमने देखा था ही सेज मेरा पूरा बिजनेस इस पे थोड़ी निर्भर है, शिप्स पे। ओके, मेरे पास तो बहुत कुछ है और मैं तो बहुत फॉर्चुनेट हूँ, और सडनली अभी पता चल रहा है कि उसके जितने भी शिप्स हैं वो सारे सी पे हैं और इस समय तो उसके पास कुछ भी नहीं है। ओके, देयर आर टू रीजंस टू इट, देयर आर टू वेज टू एक्सप्लेन इट। एक ही हो सकता है कि एंटोनियो नहीं चाहता था कि सेलेरिनो और सेलेनियो से वो इतना ज्यादा डिस्कस करे, और बसानियो क्योंकि उसका बेस्ट फ्रेंड है उसको वो अपनी असलियत बता सकता है, या एक हो सकता है कि जैसे जैसे शेक्सपियर लिखता जाता था बहुत कम टाइम होता था उसके पास रिवाइज करने का, देखने का कि पहले क्या लिखा था, उसको स्टोरी आगे बढ़ानी होती थी क्योंकि रोज उसको प्रेजेंट करने होते थे, अपने प्लेस एक्ट कराना पड़ता था, बहुत बिजी रहते थे। ओके, सो इट कुड बी दैट वे ऑल्सो। अभी है नहीं इतना पैसा, देयरफॉर गो फोर्थ, ट्राई व्हाट माय क्रेडिट कैन डू एंड वेयर इज, बट ही सेज डोंट वरी, अभी मेरे हाथ में नहीं है तो क्या हुआ, क्रेडिट तो मिल सकता है, उधार तो मुझे मिल सकता है वेनिस में। इसे जाओ वेनिस में कहीं से भी पता कर लो, जितना उधार तुम्हें चाहिए तुम ले लो। दैट शैल बी रैग्ड इवन टू द अटमोस्ट टू फर्निश दी टू बेलमोंट टू फेयर पोर्शिया, जितना चाहिए मैक्सिमम जितना चाहिए अटमोस्ट उतना तुम उधार पे ले लो फ्रॉम वेनिस, एनीवेयर इन वेनिस, एंड यू कैन गो टू पोर्शिया। गो प्रेजेंटली इंक्वायर एंड सो विल आई वेयर मनी इज। इसे दोनों करते हैं काम, तुम भी ढूंढो किसके पास पैसा होगा, मैं भी जाता हूँ पूछता हूँ किसी से तुम्हारी जरूरत इस समय ज्यादा है तो इसका हम बंदोबस्त कर लेंगे। एंड आई नो क्वेश्चन मेड टू हैव इट ऑफ माय ट्रस्ट और फॉर माय सेक, एंड ही सेज डोंट वरी, मैं सब संभाल लूंगा, मैं हूं यहां, ये जो पैसा हम उधार पे लेंगे वो मेरे नाम पे लिया जाएगा, मैं उसके लिए जिम्मेवार होऊंगा, आई विल बी रिस्पॉन्सिबल, आई विल रिटर्न दैट मनी, सो यू डोंट वरी द अमाउंट, चाहे वो कितना बड़ा अमाउंट हो तुम जाओ तुम उसे हासिल करो। ओके, उस अमाउंट को हासिल करो और उसके बाद तैयारी करो बेलमोंट जाने की। सो वी सी कि एंटोनियो बसानियो पे कभी भी शक नहीं करेगा, उसकी दोस्ती पे कभी शक नहीं करेगा, और वो हर संभव कोशिश करेगा कि बसानियों की वो मदद करे। दिस ब्रिंग्स अस टू अनदर सस्पेंस इन द प्लॉट कि एंटोनियो अब उधार लेने वाला है अपने नाम से, तो एंटोनियो का क्या होगा। नाउ वी हैव कम टू द एंड ऑफ द सीन, एक्ट वन सीन वन, व्हाट हैव वी लर्नड इन दिस लास्ट पार्ट, बसानियोस नेचर एंड लाइफस्टाइल, बसानियो ने खुद बता दिया, डिस्क्राइब कर दिया कि वो कैसे रहता है। इंट्रोडक्शन ऑफ पोर्शिया, हमें पता चल गया वो बहुत सुंदर है, बेलमोंट पे है और इस समय उसके लिए शादी के प्रपोजल्स आ रहे हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ प्लॉट्स ऑफ द ड्रामा दैट विल टेक द एक्शन फॉरवर्ड, अब ये एक्शन यहां से कहां जाएगा, एक एक्शन होगा बेलमोंट पे जाने का, बसानियो जाएगा, एक एक्शन होगा उधार में पैसा लेने का, तो वो कहां से लिया जाएगा। सो आज हमने फाइनली एक्ट वन सीन वन कंप्लीट कर लिया, इसके थ्री पार्ट्स आज कंप्लीट हो गए हैं। आई हैव गिवन यू द वर्ड मीनिंग्स एंड द लिटरेरी डिवाइसेस, इससे आपको बहुत सारी मदद मिलने वाली है कि आप आंसर्स कैसे कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, अगले सीन में, बेलमोंट चलेंगे।